सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉइड डिवाइस में जो है ग्रुप में जो है मैसेजेस को जो है कैसे सेंड करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को हम जो है इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका मैसेजिंग ऐप जो है ओपन करना है। तो मैं जो है दोस्तों मेरे फोन में गूगल मैसेजिंग ऐप यूज कर रहा हूँ। तो वैसे तो अभी हर फोन में जो है प्री इंस्टॉल गूगल मैसेजिंग ऐप ही आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए मैसेज और ये जो ऐप है सबसे पहले इसका ऐप अपडेट अवेलेबल है तो इसको अपडेट कीजिए, ठीक है। अपडेट करने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसकी एक सेटिंग्स है उसको इनेबल करना है। तो टॉप राइट सेट कॉर्नर में जो कॉन्टेक्ट का आइकन है, प्रोफाइल आइकन, उस पर टैप करके यहाँ से मैसेजेस सेटिंग्स को ओपन कीजिए, ठीक है। अगर आप 2 सिम कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपकी जो सिम है, जो भी आप अपने मैसेजेस का जो है ग्रुप बनाना चाह रहे हैं उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप मैसेजिंग का, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंड एन SMS रिप्लाई टू ऑल रिसिपिएंट्स, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इसको यूज करने के लिए एक न्यू टेक्स्ट मैसेज आपको ओपन करना है इस तरीके से। कन्वर्सेशन ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने चाहे उतने आप जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे टैप कीजिए। अब आपका जो ग्रुप का नेम है वो आपको देना है जो आप देना चाह रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे टैप कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है कोई भी एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो सारे ग्रुप मेंबर्स को जो है एट ए टाइम एक साथ ही चला जाएगा। आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही साथ उसको जो है कर सकते हैं। ये एक काफी अमेजिंग सा फीचर जो है दोस्तों यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इस तरीके से आप ग्रुप मैसेजिंग फीचर को आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर आप इसको जो है चेंजेस करना चाह रहे हैं, ग्रुप को डिलीट करना चाह रहे हैं या फिर ये ग्रुप का जो नेम है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए वो ग्रुप को ओपन कीजिए। यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप कीजिए, यहाँ से आप इजीली जो है आप अपने ग्रुप का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है ग्रुप को, 3 डॉट्स पे फिर से टैप कीजिए, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको यहाँ से इजीली आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।